अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट विंग्स। जो लोग हॉट विंग्स सेल करते हैं वो विंग्स लेते हैं इस तरह के, लेकिन हम घर के लिए बना रहे हैं तो हमने मिक्स गोश्त लिया है। इसके अंदर हम बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमें चीज़ें चाहिए वो है चिकन, एक चम्मच नमक, सिरका और आधा गिलास पानी। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। सिरका अब हमें इसे मिक्स करके 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट बाद हम दोबारा मिलते हैं। बैग 25 मिनट हमारे पूरे हो गए। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चिकन का पानी जो है वो रिमूव कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं वो हैं सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, और लहसुन पाउडर 1 चम्मच। अब हमने इसको मिक्सअप कर लेना है। हम मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो फिर अब हम इसको फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। अब हमारे 25 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो हमने चिकन को फ्रीज़र से निकाल लिया। हमारे पास मैदा है, अब हम एक एक करके उठाएंगे और इसको मैदे में इसके ऊपर अच्छी तरह से मैदा लगा लेंगे। बिल्कुल दुबा के लगाना है, सारों को बारी बारी लगाना है। अब हम चिकन को जो है, जो हमने मैदे में किया है, उसको अब हम ठंडे पानी में डालेंगे और फिर से मैदे में अच्छी तरह से मैदा इसके ऊपर लगा लेंगे। इसके ऊपर जो है वो मैदा लगाएंगे, पर मैदा लगा रहे हैं। अच्छी तरह से इसको दबा के लगाना है। अब हमने इसमें मैदा लगा लिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे विंग्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। हम देखें, ब्राउन हो रहा है इनका कलर फ्राई होके। ये 6 से 7 मिनट लेंगे फ्राई होने में। विंग्स को निकाल लेंगे। हमारे विंग्स तैयार हैं। ये ऊपर से क्रंची हैं और अंदर से जूसी हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। अगले वीडियो तक ये अल्लाह हाफ़िज़।